नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। अब रात का सुकून भी पड़ेगा भूलना, दिल्ली एनसीआर में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी। लोकसभा स्पीकर पद के लिए बड़ी खटपट, नायडू और नीतीश को इंडिया के नेता दे रहे नसीहत। विदेश मंत्रालय ने चीन पाकिस्तान को फटकारा, कहा पीओके कश्मीर पर अन्य देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। यूएसए ने रचा इतिहास, सुपर आर्ट में पहुंचने के साथ T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी किया क्वालिफाई। घर पर सेंसेक्स और निफ्टी, अब 3 दिन बंद रहेंगे शेयर मार्केट, मंगलवार को होगी ट्रेडिंग। कर्मचारियों के डीए में 4 नहीं सिर्फ 0.24% की बढ़ोतरी, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी पर भी आया अपडेट। अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की मिली धमकी, जैश के आतंकी का ऑडियो आया सामने। अयोध्या के संत राजूदास का विवादित बयान आया सामने, कहा हिंदू लड़कों से शादी करे मुस्लिम महिलाएं। काउंसलिंग के बाद भी रद्द हो सकती है नीट 2024 की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा संकेत। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान टीम ने किया क्वालिफाई, लेकिन विश्व कप से पाकिस्तान के बाहर होते ही मीम्स की बरसात। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया सीएम केजरीवाल की पत्नी को आदेश, कहा सोशल मीडिया से हटाएं सुनवाई का वीडियो रिकॉर्डिंग। कॉलेज में बुर्का हिजाब पर रोक के खिलाफ छात्राओं ने लिया कानून का सहारा, बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। विवाद के बाद पहली बार ट्रूडो से मिले पीएम, पोप फ्रांसिस को दिया सहारा। स्विट्जरलैंड के यूक्रेन पीस समिट में शामिल होगा भारत, तारों की गाज से होगी वेन्यू की सुरक्षा, सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे रूस, चीन, सऊदी। भारतीय सेना को मिला पहला आत्मघाती ड्रोन, 30 किलोमीटर रेंज, 2 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकता है, पाकिस्तान चीन बॉर्डर पर होगी तैनाती। 15 महीने के हाई पर पहुंची थोक महंगाई, मई में 2.61% रही, गौतम अडानी ने अडानी इंटरप्राइजेस की 2.02% की बढ़ाई जिम्मेदारी। सैटेलाइट इंटरनेट से देने वाली पहली कंपनी बन सकती है जियो, भारत में सर्विस के लिए जियो SES ज्वाइंट वेंचर को स्पेस अथॉरिटी से मिली मंजूरी। अगले हफ्ते 3 IPO होंगे ओपन, DE डेवलपमेंट इंजीनियर्स, एक्मे फिट ट्रेंड इंडिया और स्टेनली लाइफस्टाइल्स में मिलेगा निवेश का मौका। अमेरिकी कोर्ट ने TCS पर लगाया 1622 करोड़ का जुर्माना, कहा ट्रेड सीक्रेट के दुरुपयोग के साथ अपील करने की योजना बना रही कंपनी। गर्मी में ताजमहल में पर्यटकों को मिलेगी राहत, पानी की बोतल ले जाने की मिल सकती है अनुमति, पथकर की बैठक में हुए अहम फैसले। मध्य प्रदेश में मानसून 4 दिन लेट, राजस्थान में प्री मानसून के कारण आंधी बारिश के आसार, यूपी के 73 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। राजस्थान में बना देश का पहला बुलेट ट्रेन का ट्रायल ट्रैक, मिट्टी में दबी थी अंग्रेजों की बनाई लाइन, सैटेलाइट से खोज कर बिछाया नेटवर्क। ओपनिंग डे पर चंदू चैंपियन ने कमाए 4.75 करोड़, कार्तिक की पिछली 7 फिल्मों में पहले दिन सबसे खराब परफॉर्मेंस। ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा को नहीं मिल रहा काम, पोस्ट शेयर कर बोली फेमस एक्टर को डेट किया इसलिए 2.5 साल से नहीं मिला काम। लोकसभा चुनाव के बाद MVA की पहली बैठक, कांग्रेस, NCP, शरद और शिवसेना उद्धव गुट के नेता शामिल। खड़गे का PM मोदी पर निशाना, कहा मोदी के पास जनादेश नहीं, सरकार कभी भी गिर सकती है, हम चाहते हैं चलती रहे, अच्छा न चलने देना प्रधानमंत्री की है आदत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के हालातों पर 16 जून को होगी हाई लेवल मीटिंग। सरकार ने आज से घटाया क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स, 5,200 से घटाकर 3,250 प्रति मीट्रिक टन किया, डीजल, पेट्रोल और ATF पर छूट बरकरार। PF खाते से अब नहीं मिलेगा COVID-19 एडवांस, मार्च 2020 से शुरू हुआ था 3 महीने की सैलरी का 75% निकालने की थी सुविधा। एंड्स टावर में अपनी 21.5% हिस्सेदारी बेचेगा वोडाफोन ग्रुप, कंपनी की अगले सप्ताह 19,213 करोड़ रुपए में हो सकती है डील। सैटेलाइट इंटरनेट देने वाली कंपनी बन सकती है जियो, भारत में सर्विस के लिए जियो SES ज्वाइंट वेंचर को स्पेस अथॉरिटी से मिली मंजूरी। साउथ अफ्रीका में रामफोसा दूसरी बार बने राष्ट्रपति, देश में 30 साल बाद गठबंधन की सरकार, मंडेला की पार्टी को विपक्षी दल से दिया समर्थन।
अमेरिका में तिब्बत पर चीन कब्जे के खिलाफ बिल पास, दलाई लामा से मिलने भारत आएंगी नैन्सी पेलोसी। इनके ताइवान दौरे से भड़का था चीन। 1600 किलो की गदा पहुंची आगरा, राजस्थान से जा रही है अयोध्या की गई पूजा और अर्चना और स्वागत। ताजमहल में 2 दिन तक पर्यटकों को मिलेगी फ्री एंट्री। बकरीद और योग दिवस पर नहीं लेनी होगी टिकट, मुख्य गुम्मत के लिए लेनी होगी टिकट। शीना बोरा हत्याकांड 2012 में जब्त हुई हड्डियां अब गायब, सीबीआई ने कहा कि बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिल रही। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की गवाही से हुआ बड़ा खुलासा। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन मचा सकता है तबाही, WHO ने कंफर्म किया भारत में दूसरा केस, नहीं बनी है कोई वैक्सीन। रवीना टंडन का फर्जी रोड रेज वीडियो हुआ था पोस्ट, एक्ट्रेस ने अब भेज दिया 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस। बाबा नीम करोली कैची धाम स्थापना दिवस पर लगा भव्य मेला, लाखों की संख्या में उमड़े भक्त। नीट UGC एग्जाम के लिए NTA ने जारी किया नोटिस, एक और याचिका पर आज होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। अग्निवीर योजना में बदलाव कर सकती है मोदी सरकार, 70% अग्निवीरों को स्थायी नौकरी, ज्यादा सैलरी और 7 साल का कार्यकाल संभावित। शिवपाल यादव नहीं, दलित वर्ग से होगा नेता प्रतिपक्ष, अखिलेश के PDF फॉर्मूले पर होगा चयन, इंद्रजीत सरोज रेस में सबसे आगे। आधार फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन 14 सितंबर, ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार। आगरा पुलिस के फीडबैक सेल से रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई, 24 घंटे में 56 सस्पेंड। लेखिका अरुंधति रॉय पर चलेगा UPPA के तहत केस, दिल्ली के उपराज्यपाल ने दी मंजूरी, दिल्ली में 2010 में भड़काऊ भाषण देने का है मामला। T20 वर्ल्ड कप 2024 सुपर 8 में पहुंची 6 टीमें, 10 टीमें हुई बाहर, 4 में जंग जारी। SBI से लोन लेना हुआ बहुत महंगा, बैंक ने बढ़ाई MCLR दर, MI पर भी पड़ा बड़ा फर्क। अहंकार के कारण ही भाजपा चुनाव हारी, संजय राउत ने RSS नेता इंद्रेश के बयानों को ठहराया सही। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता BM येदियुरप्पा के खिलाफ नाबालिग से यौन शोषण मामले में गैर जमानती अरेस्ट वारंट, पॉस्को के तहत केस दर्ज। तेजस्वी यादव ने 14 अपराध गिना, नीतीश पर उठाए कई सवाल, अखिलेश के निशाने पर UP सरकार। फिलहाल के लिए सुपरफास्ट बुलेटिन में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।